आज से तुम्हें रचना के बारे में कुछ भी सोचने या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है अजय। आज से रचना की पूरी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो। उसके बारे में जो भी फैसला लेना है हम लेंगे, दूसरा कोई नहीं। जी प्लीज संभालिए अपने आप को। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है, हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ हम। नहीं ताई जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? थोड़ा वक्त दीजिए, ताऊ जी शांत हो जाएंगे। अयंक, तुम तो अपने ताऊ जी को जानते हो ना, हमें डर है कहीं ये रचना का कॉलेज जाना बंद ना करवा दे। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज आप चिंता मत कीजिए, आप संभालिए अपने आप को। मत रो रचना, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, मौसी जी उनसे बात कर लेंगी। नहीं नहीं कुछ, तुम जानती नहीं हो पापा को, वो हमारा सब कुछ बंद करवा देंगे, सब कुछ, घर से बाहर जाना, यहाँ तक कि वो हमारी शादी करवा देंगे। पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोल रही हो, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगे रचना। और फिर हॉकी, वो तो तुम्हारा सपना है, वो कैसे खेलने से रोक सकते हैं? तुम्हारे जैसा हर कोई नहीं सोचता, तुम्हें लगता है कि छाया का जींस पहनकर कॉलेज आने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो हमारा समाज है वो एकदम उल्टा सोचता है, छाया को बुरा मानता है। हमारा ही ले लो, एक लड़की सिर्फ एक खेल खेलना चाहती है, हॉकी, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं, उसमें भी मनाही है, ऐसे लड़की में दोष निकाला जाता है, डांट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, घर बिठा दिया जाता है। इसी सोच का समाज, इसी विचारों का देश, इसी रूढ़ियों में लिपटी हुई दुनिया का क्या होगा? पता नहीं गुर्जन, बाकी हमारा क्या होगा? प्लीज रो मत रचना, प्लीज एक बार मौसा जी की तरफ से सोच कर देखो, इतनी बड़ी बात हो गई और उन्हें पता तक नहीं चला, और आज जब मालूम हुआ तो भी ऐसे। Obviously, उन्हें धक्का तो लगा ही होगा ना, और फिर वो तुम्हारे पापा हैं, इस घर के बड़े, उनके लिए बहुत बड़ी बात है रचना। You will feel cheated, right? इसीलिए उन्हें थोड़ा वक्त दो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी ही साइड लेंगे और हम भी। After all, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी साइड लेंगी ना। ना बेटा, सॉरी मम्मी, आप हो ना इसलिए इतना सब कुछ मुश्किल होते हुए आसान है, आज आपको हमारी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा, सॉरी मम्मी। ऐसा सोचते भी नहीं है और ना ही ऐसा बोलते हैं,
हम तुम्हारी माँ हैं, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया बेटा और कुछ नहीं। अब चल, ये कीमती आंसू बहाना बंद करो, और रहा सवाल तुम्हारे पापा का, तो वो तुम्हारे पापा है बेटा। कब तक तुमसे नाराज होंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आए। मौसी जी, आप यहाँ रचना के साथ रुकिए, मैं पानी ले आती हूँ। हाँ बेटा। आओ। अब गुंजन सुनो, रचना कैसी है? ठीक है। गुंजन सुनो, मुझसे बात भी नहीं करोगी? कुछ बात करने को रह गया हो तो बात करें। मुझे कुछ कहने, कुछ समझाने का मौका तो दो। प्लीज मैं, रहने दो। लिसन गुंजन, मेरा मैं जब हमारे पास एक दूसरे से कहने को कुछ रहा ही नहीं, तो फिर टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। दुनिया में और भी बहुत जरूरी काम है, नहीं? कहने को तो बहुत कुछ है गुंजन, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी मत समझो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कॉलेज में हॉकी खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। टूटा क्यों दिल उसकी चाहत में, क्यों है खफा मेरा खुदा। जी से कहिए कि 3 दिन बाद है, तब तक चारू मुझे अपने 3 दिन दे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की से कैसे छुटकारा पाऊं। I really don't know मैं क्या करूं अब। तुम पर भरोसा है मयंक, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। नहीं मयंक, अभी नहीं, जब हमारे आसपास सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब। कब तक उसे गलत फहमी में रखोगे, या फिर मुझे? इतनी अच्छी लड़की ना, लड़की ना, अरे किस भाई बालों को मिलती है। ये लो रचना, चलो कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। नहीं कुंजन, हमें कॉलेज नहीं जाना है। नथिंग डूइंग। जब मुझ पर एसिड अटैक हुआ था, तब तो पीछे पढ़ पढ़ के मुझे कॉलेज भेजा था, और आज खुद ही पीछे हट रही हो। हौसला देने वाले खुद कभी हार नहीं मानते। नहीं कुंजन, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। रचना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या हुआ? लेकिन मम्मी, पापा ने हमें। पापा कुछ नहीं कहेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम बस तैयार हो जाओ। बेटा जो कुछ भी हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना। देखो रचना, तुम्हें आगे पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है बेटा, समझे? लेकिन मम्मी,
पापा ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत ही नहीं देंगे तो? कॉलेज जाने की मनाही नहीं है रचना, लेकिन एक शर्त पर। तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए जाओगी, पढ़ाई खत्म हुई और तुम घर वापस। और कुछ नहीं होगा कॉलेज में, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कॉलेज में हॉकी खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है रचना। सोच लो रचना, अगर तुम्हें या तुम्हारे कॉलेज वालों को यह बात मंजूर नहीं है रचना, तो कोई दूसरा कॉलेज ढूंढो, और अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो तुम एक साल के लिए घर पर बैठो। लेकिन हॉकी खेलने का सपना तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है पापा, हम हॉकी नहीं खेलेंगे। और गुंजन, तुम, हमें यह तो पता नहीं है कि इन सब हादसों के बाद तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। सभी जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर एसिड का अटैक हुआ था, और इस वजह से सबके दिल में एक डर बैठ गया है, और अब कॉलेज में पाश्चात्य कपड़ों को लेकर जो भी दंगा फसाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, उसमें समझदारी यही है गुंजन कि तुम जरा अपने कपड़ों पर ध्यान दो। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब बस हो गया रोना। हाँ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना क्लास के लिए देरी हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कॉलेज में हॉकी खेलने की इजाजत नहीं है। नहीं है, नहीं है। गो गो गो। कुंचन, हम अभी आए। लगता है कल के हादसे ने सभी लड़कियों को काफी हिला दिया है। देखो ना, कॉलेज आज कितना खाली खाली सा लग रहा है। हार्डली कोई स्टूडेंट्स आए एंड हार्डली एनी गर्ल्स। हाँ, सच कहा तुमने। और देखो ना, जो जो लड़के आए भी हैं, सबके सब सलवार कमीज पहनी है। ये डर भी अजीब चीज है ना छाया, एक बार बैठ जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हाँ, हमें याद है कॉलेज का पहला दिन। सोचे थे आजादी मिल गई है, यूनिफॉर्म से, घर के रूटीन से, टिफिन बॉक्स से। हमने बड़े शौक से जींस खरीदा था, साथ में टी शर्ट, क्लिप्स बैग और न जाने क्या क्या। लेकिन हुआ क्या, पहले माँ बाप की सुनो और अब ये गुंडे बदमाशों की। इसलिए कल शाम में खुन्नस आकर हमने अपना जीन्स उतारकर फेंक दिया। छाया, बात सिर्फ जीन्स की नहीं है, बात हमारी आजादी की है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटी करता है, फिर ये दो कौड़ी के गुंडे कौन होते हैं हमें रोकने या डराने वाले। रियली, शर्म आनी चाहिए। 2012 हो गया है,
एंड अभी भी औरतों की आजाद सोच एंड अपने मन से जीने से प्रॉब्लम है लोगों को। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और एक हमें ये छोटी छोटी बातें लेकर उन्हीं में उलझे हुए। आई मीन इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? छोड़ो ना, तुम और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों बेकार में किसी को कोसना। कंपटीशन तकड़ा है, लेकिन जो जोश और हिम्मत तुम में है ना, वो इनमें नहीं, इसलिए चक दे। रचना कैसी हो तुम? हम ठीक है। कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो नॉट अ प्रॉब्लम। और वैसे भी हमने बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर ली है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि कॉलेज में स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए, तो डोंट वरी, अब वो गुंडे कॉलेज के आसपास फटकेंगे भी नहीं। तो ठीक है, क्लास के बाद मिलते हैं प्रैक्टिस में, ओके? एक मिनट सर। ये रचना कहाँ रह गई? चलो देख कर आते हैं। सर सर, हम फील्ड पे नहीं आ पाएंगे। मतलब आज के बाद हम हॉकी नहीं खेल सकते। छाया, क्लास के लिए देर हो रही है। रचना, रचना तुम ऐसे भागकर कहाँ जा रही हो? आगे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब पीछे छूट गया। रचना, तुम्हारे सपने, अपने सपनों से भागकर कोई खुश नहीं रह सकता। हमारे कोई सपने नहीं है और ना कोई मंजिल, कुछ नहीं है गुंजन, रहने दो अब, सब कुछ खत्म हो गया अब। कुछ खत्म नहीं हुआ है रचना, अगर तुम चाहो तो हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने इरादे पे डटी रहो रचना, अब कुछ नहीं हो सकता, रहने दो अब। कम ऑन रचना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं रचना, और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रचना, अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का चांस बार बार नहीं मिलता है, सो प्लीज ऐसे हार मत मानो। चुप हो गए क्यों सारी बातें हैं, कहाँ खो गए तेरी आहटें, आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे। क्लास के बाद मिलते हैं, चलो। सपने सुहाने, सपने सुहाने।
सपने सुहाने।